अरेंज मैरिज ठीक है कि लव मैरिज? इंसान अच्छा होना चाहिए। अच्छा इंसान कैसे पता करें? इसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब हो जाएगा। और यंग जनरेशन, तुम लोगों में एक गलती होती है, तुम लोग ना अरे बकलवा कहीं का, देखो ये सबको नौकरी हुआ नहीं करा, अरेंज मैरिज ठीक है कि लव मैरिज? मैंने नौकरी हुआ कि नहीं? इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छी जिंदगी बीतेगी। इंसान खराब है ना, कहीं भी नहीं बीतेगा। और यंग जनरेशन, तुम लोगों में एक गलती होती है, तुम लोग ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तुलना करने लगते हो, गलत तुलना करते हो। लव मैरिज में आप उस व्यक्ति को पिछले कई सालों से जान रहे होते हैं, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको आपने ना देखा है ना बातचीत किया है, माँ बाप ने देख के लाए हैं। ये तो वही हो गया किसी से पूछिए कि बीएससी का विद्यार्थी तेज होगा कि मैट्रिक का? अरे बैल कहीं कहा, बीएससी कहाँ है, मैट्रिक कहाँ है? तो आप जिसको देख रहे हैं, जिसे अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अगर उसके साथ भी 2-3 साल अगर आप समय बिताएंगे, एक दूसरे को आप भी समझ जाएंगे, वो भी अच्छे से जीवन हो जाएगा। वही आलोग या कि बीएससी अच्छा कि मैट्रिक, और लोग इसमें तर्क भी देते हैं, नहीं अरेंज मैरिज ठीक है लव मैरिज? लव मैरिज इतना अच्छा होता तो सबसे ज्यादा यूरोप में डिवोर्स नहीं होते होता। तो ये सब देखो, ये बकलोलवा सब यहाँ पे। अभी नौकरी हुआ नहीं, आगे बढ़े। बिहार में तो एक किडनैपिंग मैरिज होता है, पकड़ा हुआ बिया किडनैपिंग मैरिज, अरे पकड़ के बिया करा देता है सब यहाँ पे। हाँ पकड़ा हुआ बिया हो जाता है ना, तुम्हारे यहाँ होता है ना, तुम्हारे रिश्तेदार में कहीं, इस सब में ये सब चीज नहीं रहना चाहिए। अच्छा इंसान कैसे पता करे? तुम सिलेबस कंप्लीट कर। अच्छा इंसान कैसे, बड़ा जल्दी एक बिया कहीं लगाओ। हाँ अच्छा इंसान कैसे कर रहे हैं आप? इंसान को जितना ठोकर लगते जाता है, धीरे धीरे वो मेच्योर होते जाता है, और मेच्योर होने के बाद सारी चीजें सही हो जाती है। कुछ चीजें इग्नोर कीजिए, चीजें अच्छे से बीतेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब हो जाएगा। तो परखने की कोशिश नहीं की, दुनिया का कोई इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है? हम आप सब कुछ जो पृथ्वी पे मानव रूप लिया, सब में कमियां है। कमी नहीं रहेगी, ऊपर वाला बुला लेगा, आ जाओ बेटा तू बैकुंठ धाम में बैठा जाओ, ऊपर तुरा में कोई कमी नहीं है यार। तो परखना नहीं चाहिए कभी किसी को। समझ में आया?